बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू अपलोड अ प्रोडक्ट ऑन द्राज़, मतलब कि हम द्राज़ के ऊपर कैसे अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। इस वीडियो में हम कम्प्लीट प्रैक्टिकली उस प्रोसेस को करके देखेंगे और उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो कम्प्लीट हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने अपने द्राज़ सेलर सेंटर के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको साइड बार पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर हमें जो ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट, उसके मतलब का जो हमने वीडियो बनानी है इसकी कंप्लीट, कि अपनी प्रोडक्ट को कैसे हमने अपलोड करना है, ऐड करना है इसके अंदर। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज शो होगा जिसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी प्रोडक्ट के मतलब, मतलब कि उसका टाइटल क्या है, वो किस कैटेगरी में की प्रोडक्ट है, वो कैटेगरी देनी है आपको, उसकी मतलब डिस्क्रिप्शन, उसकी हाईलाइट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी जो प्रोडक्ट है जो मैंने अपलोड करना है वो है एक पेन है, ब्रास का पेन है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर अपना टाइटल दिया, जो भी मेरी प्रोडक्ट है उसका मैं टाइटल दूँ यहाँ पे, जैसे कि वो कस्टमाइज्ड पेन है यानी कि आप उसके ऊपर नाम भी लिखवा सकते हैं, तो मैं इस लिहाज से यहाँ पर उसका टाइटल दूंगा कस्टमाइज्ड ब्रास पेन, साथ में लिखूंगा कस्टमाइज इट विद योर नेम। और ये गिफ्ट के लिए भी अच्छी चीज़ है, बेस्ट फॉर गिफ्ट्स। ओके, अभी हम देखना कि ये किस कैटेगरी में इनहेल करती है, यानी कि किस कैटेगरी प्रोडक्ट है ये जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट है हमने वो उसको कैटेगरी अलॉट करनी है, ठीक है। और ये जो कैटेगरी सुजेशन है ना, इसमें देखने अगर आपकी कैटेगरी आ रही है कोई, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो रही है मदर एंड बेबी, नहीं है हमारी, नहीं है स्टेशनरी क्राफ्ट है, साथ है नोवेल्टी गिफ्ट, नहीं है हमारी, नहीं है स्टेशनरी क्राफ्ट राइटिंग करेक्शन पेंस। एग्जैक्टली मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी यही बनती है, तो इसलिए मैं यही चूज़ करूँगा। अगर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी सजेशंस में शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ पे कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है स्टेशनरी एंड क्राफ्ट, जैसे कि मेरी पेन की प्रोडक्ट है, आगे राइटिंग एंड राइटिंग के मतलब लिख जाऊँगा ना मैं, राइटिंग एंड करेक्शन, एंड फर्दर है जो पेंस। ओके, यहाँ से मैं कंफर्म कर लूँगा। इसी तरह आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके मतलब आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी को सर्च करना और चूज़ करना है। जो ही आप अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे तो फर्दर इसके मतलब जो भी डिटेल उनको चाहिए वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि ये जो मेरी पेन की कैटेगरी है ना, वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स यानी कि वो एक उसका आर्ड है, यानी कि ब्रांड कौन सा है, तो यहाँ पर ब्रांड आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने जो ब्रांड, अगर आपका ब्रांड नहीं भी है कोई, तो यहाँ पर नो ब्रांड सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पर नो ब्रांड आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। जैसे कि मेरा कोई ब्रांड है मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो है फॉक्स के नेम से, तो मैं वहीं पे चूज़ करूँगा। जब यहाँ पर मैं शो मोर करता हूँ तो वो यहाँ पर उसकी डिटेल्स हैं, मॉडल नंबर क्या है, नंबर ऑफ पीस सेट क्या है, वो एक ही हमारे पास पीस सेट है, और उसका पेन टाइप क्या है, पेन टाइप है यानी कि मेरे पास बॉल पेन है, पेन थिकनेस उसकी क्या है, 0.3 mm है, 0.5 mm है, फर्दर डिटेल। अगर आपकी प्रोडक्ट कोई और है, जैसे आपकी प्रोडक्ट मैं कह लेता हूँ कि हैंड फ्री है जैसे कि, तो हैंड फ्री की कैटेगरी चूज़ करेंगे, हैंड फ्री के मतलब डिटेल देंगे, हैंड फ्री की डिटेल क्या हो सकती है, यानी कि वो ब्लूटूथ है या वायरलेस है, और उसके बाद उसका ब्रांड क्या है, वो हेडसेट है, वो एयर पे लगती है, वो सिंगल है या फिर वायर्ड है, इस तरह की डिटेल है। तो कभी हैंड फ्री के रिलेटेड या और की प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट आपके पास लैंप है, कोई वुड लैंप है, तो लैंप की डिटेल क्या कैसे हो सकती है, कि वो इलेक्ट्रिक है या कोडेड है या बैटरी वाला है या जो भी है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपने दे देनी है उस हिसाब से। ओके, हो गया। तो फर्दर है जो इस डिटेल के अलावा जो मेन पॉइंट है वो है डिस्क्रिप्शन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोडक्ट के अपलोड करने में, हाईलाइट्स। इस एक प्रोडक्ट की जितनी अच्छी हाईलाइट्स होंगी ना, उतनी अच्छी वो प्रोडक्ट कस्टमर को शो होगी, उसको वाजह तरीके से शो होगी इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे बोल्ड बना के कंप्लीट उसकी हाइलाइट्स को दें कि क्या प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी लगी हुई है, कंप्लीट डिटेल्स को दें। मतलब जैसे कि अभी भी ये मेरा पेन है ना,
इसके मतलब है कि मैं कंप्लीट इसकी डिटेल देता हूँ, यानी कि ये पेंडल को आप कस्टमाइज करा सकते हैं, यू कैन कस्टमाइज इट विद योर नेम, नेक्स्ट फॉर दिस की क्या क्वालिटी है, इसका मटेरियल है जो मटेरियल ब्रास है ये, इसका वेट क्या है, वेट इसका 100 gm, यानी कि क्वालिटी अच्छी है, स्पेंड की बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका वेट भी अच्छा खासा है, 100 से अभाव ही है, लेकिन मैं यहाँ पे 100 gm लिख देता हूँ, मैंने इसको वेट तो नहीं किया लेकिन अंदाजन मैंने इसको लिख दिया 100 ग्राम है। उसके बाद और क्या हो सकती है इसकी, स्मूथ है, स्मूथ इन राइटिंग, और इसके बाद क्या हो सकता है, इस तरह जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल होगी वो आपने यहाँ पर लिखना है यार, लाजमी लिखना है। उसके बाद नीचे हम जब आ जाएंगे हाइलाइट्स लिखने के बाद कंप्लीट, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन है जो हमारी, डिस्क्रिप्शन के ऊपर यानी कि कंप्लीट डिटेल देते हैं प्रोडक्ट पर लिख, लेकिन यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट अलग है तो यहाँ पर मैं इतना लिखता हूँ कि प्लीज सेंड योर नेम इन इंद्रास चैट दैट यू वांट टू कस्टमाइज ऑन पेन बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, मीन्स कि मैं जो कस्टमाइज वाला पेन है तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि ऑर्डर ऑर्डर करने से पहले अपना नाम मुझे इंद्रास चैट में सेंड कर दें, ताकि यानी कि वो मुझे इशू ना हो उसको बनाने में और आगे पहुँचाने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और अगेन नीचे जाके पेस्ट कर दूँगा, और आपकी जो अपने मतलब की जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी आप उसको लिखिएगा बड़े अच्छे अंदाज में, ताकि कस्टमर को इजी दे, बेसिकली कस्टमर जो यूज़र, अगर कस्टमर यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, कस्टमर फ्रेंडली हो जाएगा ना, तो जब आपकी प्रोडक्ट को देखेगा इजीली अंडरस्टैंड होगी, हर चीज़ वाजह क्लियर होगी कि कैसे क्या इस चीज़ का मटेरियल है, क्या इसकी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, जब उसको देखने में पता लग जाएगा ना तो वो फर्दर वो नहीं होगा डबल माइंडेड कि यार ये नहीं लूँ वो दूसरी चीज़ कर लूँ, इसलिए अपने प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से मेंटेन करें, इसको ऑप्टिमाइज करें ताकि कस्टमर आए और आपकी प्रोडक्ट के अलावा अगर इसने ओपन कर लिया तो वो किसी और के पास ना जा सके, इस तरह इसको मैनेज कीजिएगा। व्हाट्स इन द बॉक्स, तो मेरे पास है वन पीस है पेन का, वन पेन ठीक हो गया, बॉक्स के अंदर वो एक पेन होगा, इसकी कलर फैमिली क्या है, ब्लैक है, तो मैं ब्लैक चूज करता हूँ, यहाँ पे कलर फैमिली चूज, अभी आपकी प्रोडक्ट अगर कोई कलर है तो यहाँ पे कलर चूज होगा, नहीं तो आपकी प्रोडक्ट के मुतलिक सारी वो डिटेल्स आ जाएंगी, डिस्क्रिप्शन या जो भी होंगी ना आपकी प्रोडक्ट के मुतलिक ही आएंगी। अगर ये मेरा पेन है तो जाहिर सी बात है पेन की पेन तक पेन का कलर तो होगा होता ही है, इसलिए मुझे यहाँ पे कलर बताना है, इसकी मैंने जो पिक्चर है वो अपलोड कर लेता हूँ, इसकी पिक्चर कहाँ थी बोला, ये जो बेस्ट पिक्चर होगी ना आपकी जो अच्छी क्वालिटी में होगी अपने वही अपलोड करनी है, ये बात जहन में रखिएगा, बट बल्कि इसको पल्ले बांध लें कि ये अच्छी पिक्चर ही अपलोड करनी है, अच्छी की पिक्चर के अलावा कोई और पिक्चर अपलोड नहीं करनी है आपने, जो अच्छी ऑप्टिमाइज हो, ईजी हो और देखने में स्टनिंग हो यार, बस इतना ये रखिएगा जहन, बस यहाँ पर फिलहाल मैं एक ही पिक्चर अपलोड करता हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इसी प्रोडक्ट में कोई और कलर भी अवेलेबल है तो यहाँ पर आप एक और कलर लिखिए कौन सा कलर है, फिर उसकी पिक्चर अपलोड कीजिए, इस तरह होगा, ठीक है। जब नीचे आप आ जाएंगे तो इसकी प्राइस क्या रखनी है यहाँ पे, इसकी प्राइस आप रख लें तकरीबन 350 इसकी रिटेल प्राइस होगी, ठीक है। अगर आपने इसको सेल पे लगाना है यानी कि स्पेशल प्राइस से आप कहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी स्पेशल प्राइस 320 रुपीज़, मैंने 30 रुपये इस पर लगा दिया प्रमोशन, प्रमोशन मेरी कब तक चलेगी वो डेट यहाँ पे आप सेट कर लें, जैसे कि आज 9 है, 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मैं कहता हूँ कि मेरी प्रमोशन चले,
ओके कंफर्म। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी इसकी मेरे पास 20 है, मिनिमम 10 क्वांटिटी रखिएगा, बेस्ट है। सही अगर इसकी ऑप्शन है इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट तो आ जाए कि पैकेज वे डिलीवरी कंप्लीट 0.1 यानी 100 ग्राम, ठीक है। इसका पैकेज डिमेंशन क्या होगा? डिमेंशन मेरे हिसाब से तो इसका कोई भी नहीं इतना, तो मैं यहाँ पर 3 3 3 कर देता हूँ। आपने अपने पैकेज के डिमेंशन के हिसाब से करना है कि उसकी क्या उसकी लेंथ है, क्या उसकी विड्थ है, उसकी डेप्थ क्या है, ये तीन चीज़ें आपने लाजमी देनी है उसके। उसी हिसाब से आपको फिर ये शिपिंग कॉस्ट डिटेल भी लेगी, ये आप दे सकते हैं। अब ये छोटी सी आइटम है तो इसलिए मेरी शिपिंग कॉस्ट डिटेल कम है, आपकी आइटम के हिसाब से ही जो आपका उसका साइज होगा वो आएगा। अब डेंजरस गुड्स है? नहीं, ये भी डेंजरस गुड्स नहीं है। और जैसे ही आपकी सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी आपने यहाँ पर आके इसको सबमिट कर देना है, ये सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।